नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज़, में हूँ हेमंत गर्ग। इस वक्त हम नगर पालिका सेंधवा में मौजूद हैं। स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री का एक मोटो है, एक मिशन है, उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए सेंधवा नगर पालिका ने भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक नई शुरुआत कर दी है। नगर पालिका अध्यक्षा मेरे साथ मौजूद हैं। आदरणीय भाई, क्या कार्यक्रम आज किया गया? आज कार्यक्रम ये करा गया है कि पहले तो हमने सब लाडली बहनों को बुलाया है, यहाँ पर वो गैस 450 रुपये में गैस टंकी मिली है सभी लाडली बहनों को। और दूसरा, हमने स्वच्छता के लिए हमारे डॉक्टर साहब को चुना है और हमको सेंधवा शहर को स्वच्छता में लाना है। पहले भी हमने फर्स्ट पहले नंबर लाया था, अभी भी हमको पहले नंबर लाना है। और डॉक्टर साहब को हमने सौंप दिया है विज्ञापन, तो आज अब यही डॉक्टर साहब पहले नंबर लाएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी है। नगर पालिका CMO मेरे साथ मधु चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी जी, किस तरह का एक अभियान शुरू किया गया? ये पहले भी हम स्वच्छ भारत मिशन में 2020 में 50,000 से 1,00,000 की पॉपुलेशन में एक नंबर पे आए थे, तो हम वापस से इन्हें ये प्रयास करेंगे कि इस साल 2023 में भी सेंधवा को नंबर 1 बनाना है। और इसके लिए शासन की ओर से जो एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, उसमें हमने डॉक्टर अश्विन जैन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हम उनके प्रति भी इन्हें एक आश्वस्त करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने सेंधवा को स्वच्छ भारत मिशन में एक नंबर पे लाए, उसके लिए अधिक से अधिक जागरूकता करेंगे और वो जो अपना योगदान है वो सेंधवा शहर को देंगे। डॉक्टर अश्विन जैन सेंधवा शहर के लिए जाना पहचाना नाम है। उनके पिताजी भी यहाँ पर समाज सेवी के रूप में विख्यात रहे हैं और अब उनके कंधे पर पूरे शहर के स्वच्छता की जिम्मेदारी है। डॉक्टर जैन, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है शहर के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे एक छोटे से व्यक्ति को ये कहने के लिए कि मैं एक समाज में सेंधवा शहर में जाना पहचाना नाम हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब शहरवासियों का, हम लोगों का एक जो एक सहयोग कह सकते हैं, उसी माध्यम से मुझे एक छोटा सा ये इस छोटे से बच्चे को ये नगरपालिका अध्यक्षा जो हैं हमारी बसंती भाई यादव, हमारे CMO साहब और नगरपालिका परिषद ने मुझे जवाबदारी सौंपी है, जो कि हमारे मुख्य देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है, उस स्वच्छता अभियान के तहत मुझे भी ये मौका मिला है कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं अपने शहर के लोगों को जागरूक कर सकूँ और स्वच्छता रखने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकूँ। देखिए, जैसे कि हमारा मानना होता है कि बीमारियाँ कब नहीं होगी, जब स्वच्छता होगी। तो अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है तो स्वच्छता बनाई रखनी होगी। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि स्वच्छता की शुरुआत मुझसे, तो मैं आप सभी से यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वच्छता केवल नगर पालिका या सफाई मित्रों की जवाबदारी नहीं है, ये जवाबदारी हम स्वयं की है। जब हम सब स्वयं ये निर्णय लेंगे, ये प्रण लेंगे कि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, तो अपने आप ही शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देने लगेगा। तो हम लोग इस बात को जहन में, हमारे मन में उतार लें कि स्वच्छता रखना किसी और का नहीं अपितु हमारा स्वयं का एक दायित्व रहेगा। तो बस इसी उद्देश्य के साथ मैं इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा शहर सेंधवा दोबारा से एक बार पूरे देश भर में प्रथम स्थान को अर्जित कर सके। धन्यवाद। सेंधवा की अपनी एक अनूठी पहचान है देश भर में, इसका जहाँ पर कॉटन की बात करें या अन्य मामलों को करके सेंधवा की अनूठी पहचान है प्रदेश में, देश में, वही अब यह स्वच्छता में अव्वल आए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।